स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BU BTech फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। आपको बता दें, वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2023 में हुआ था और सेशन 2023 से 27 है, उन सारे लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब से होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, हम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्च में होने वाला था। इसके रिगार्डिंग शेड्यूल भी आया था, लेकिन इस बीच थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया जिसमें बहुत सारे लोग का ईयर बैक हो गया। दोस्तों, उन लोगों के डिमांड पे यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए स्पेशल एग्जाम है वो लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें, इसी एग्जाम के वजह से आप लोग का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, जब तक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम नहीं हो सकता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ईयर बैक होगा, उन लोग का फर्स्ट सेमेस्टर फिर से देना होगा, यानी कि वो लोग 23 बैच के साथ कंटिन्यू करेंगे। इस वजह से 23 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसे होल्ड पे रखा गया है और अभी एग्जाम नहीं होगा। तो आपको बता दें, ये एग्जाम होने की संभावना है मई सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। अगर स्पेशल वाले का रिजल्ट है वो अप्रैल में फाइनल हो जाता है तब। फिलहाल आपका एग्जाम है वो स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट समय पे आ जाएगा तो आपका एग्जाम है वो मई सेकंड वीक से शुरू हो जाएगा। रिजल्ट लेट आता है तो आपका एग्जाम है वो आगे शिफ्ट करेगा। दोस्तों, हम प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि आपको PYQ का सॉल्यूशन है वो देख करके जाना है। अगर आप 2 से 3 साल का PYQ पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में इतना तो हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कॉपी को भर सकते हैं। आपको भले एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप कॉपी भरने लायक हो जाओगे अगर PYQ भी अच्छे से कवर कर लेते हो 3 से 4 साल का तब। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपको पढ़ के जाना है। कोई भी ऐसा थ्योरम हो जिसमें नाम के साथ शुरू हुआ हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो, तो दोस्तों वो सारे चीज आपको याद करके जाने चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको कॉपी भरने में वो सब काम आ सके। उसके अलावा जिनका भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो लगातार प्रैक्टिस करना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार बहुत गंदा रिजल्ट है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आया है। तो दोस्तों, आप सारे लोग जिनको भी ड्राइंग पढ़ना है वो लोग रेगुलर प्रैक्टिस है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का घर पे खुद से करें। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जब एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल में आपसे ड्राइंग नहीं बनेगा और आप फेल कर जाओगे। जब फिर दोस्तों आप थोड़े भी सिंसियर हैं तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग करने आए हैं, ग्रेजुएशन तो कर नहीं रहे हो, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट है वो अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं। आप जिसका भी पीछा कर रहे हो वो पास होकर के चले जाएगी और आपसे ज्यादा नंबर उसका आएगा। दोस्तों, आप ऐसे ही एग्जाम दोगे और एग्जाम में क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा नहीं, आपने टाइम है वो उसके पीछे बर्बाद किया है, तो फिर आपका एग्जाम में रिजल्ट खराब होना लाजमी है। पढ़ाई करोगे नहीं तो रिजल्ट बहुत ही खराब आएगा और रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप घर पे बता भी नहीं सकते, रिजल्ट बताने में भी शर्म आएगी। तो दोस्तों, जो भी थोड़े सिंसियर स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई जरूर करें। हर कोई तो पढ़ेगा नहीं वो मुझे भी पता है, लेकिन जो भी थोड़े सिंसियर है उसे अपने घर परिवार की चिंता है, रिजल्ट की चिंता है, तो वो लोग अपना पढ़ाई है वो अच्छे से करें। एग्जाम है वो मई में होने वाला है, मई में एग्जाम है वो हर हाल में हो जाएगा। आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है, आप चाहे तो अच्छी तैयारी इतने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।